हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकती है शिवसेना। भाजपा खेमे में हलचल हुई तेज, जुटने लगे विधायक। शिवसेना संजय राउत द्वारा विधानसभा भंग होने के संकेत देने के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचलें बढ़ गई है। भाजपा के सभी विधायक देवेंद्र फडणवीस के घर जुटने लगे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ भी बालासाहेब थोराट के घर पहुंच गए हैं। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे ने सुबह 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा विधानसभा भंग होने के संकेत देने के बाद भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस के घर भाजपा विधायकों का आना शुरू हो गया है। उम्मीद है कि कुछ देर में इन विधायकों के साथ बैठक भी होगी। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता ही जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्य में जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, वही विधानसभा भंग होने की दिशा में चल रहा है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच शिवसेना हार मानती नजर आ रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम जिस दिशा में बढ़ रहा है, उसमें विधानसभा भंग हो सकती है। उनके इस ट्वीट में माना जा रहा है कि शिवसेना बागी विधायकों को संभाल नहीं पा रही और अब वह चुनाव में उतरने पर विचार कर सकती है। इस बीच भाजपा खेमे में हलचल बढ़ गई है और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर विधायक पहुंच रहे हैं। आज सुबह ही संजय राउत ने एक और बयान दिया था, जिससे शिवसेना के हौसले कमजोर पड़ने का अनुमान लगाया गया था। उनका कहना था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी, लेकिन सत्ता तो आ भी जाती है। दरअसल संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे सालों से हमारे साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर, उनके लिए पार्टी छोड़ना कठिन नहीं होगा। हमारे लिए भी उन्हें अलग करना आसान नहीं है। हमारे 1 घंटे तक आज बातचीत हुई है। सभी विधायक शिवसेना में हैं और यही रहेंगे। सुबह भी मैंने उनसे बात की है, कोई परेशानी नहीं है, वो लोग शिवसेना में ही रहेंगे। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट।